नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मासिक धर्म एक ऐसी सामान्य क्रिया जितना सामान्य हमारे लिए भोजन करना या फिर मलमूत्र का त्याग करना होता है, पर हमारे समाज में इसके बारे में अभी भी खुलकर बातें नहीं की जाती, जिसके चलते महिलाओं के मन में कई बार एक अजीब सी द्विधा की स्थिति बनी रहती है। वे समझ नहीं पाती कि माहवारी के दिनों में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि माहवारी के दौरान हर महिला की स्थिति एक जैसी नहीं होती। इस दौरान कुछ महिलाओं को अत्यंत अधिक पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है। उनके स्वभाव और व्यवहार में काफी अधिक परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर के अंदर कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव उत्पन्न होते हैं। ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हो, और यदि उत्पन्न हो तो कम से कम परेशानी आपको झेलनी पड़े, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान तो अवश्य ही रखना चाहिए। उन बातों के बारे में जानने से पहले आप सभी को एक सूचना देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए एक साप्ताहिक प्रतियोगिता लेकर आए हैं, जिसमें हम आपसे हर वीडियो के प्रारंभ में एक सवाल पूछेंगे। आपको केवल उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स के माध्यम से हमें देना है, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। और हर रविवार इस प्रतियोगिता का विजेता हम घोषित करेंगे और उसको मिलेगा एक आकर्षक उपहार। तो आज के इस वीडियो का सवाल है, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको गर्म पानी में क्या मिलाकर पीना चाहिए। बिल्कुल आसान सवाल है, यदि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो। तो चलिए अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर, कि माहवारी के दौरान महिलाओं को किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, इन दिनों में असुरक्षित संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों संबंध बनाने से ना केवल आप प्रेग्नेंट हो सकती है बल्कि इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी काफी अधिक रहती हैं। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। दूसरी बात, महावारी के दौरान महिलाओं को अधिक मेहनत वाले कार्य करने से बचना चाहिए, और विशेष तौर पर वजन उठाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान मांसपेशियों में ऐंठन और सूजन आने की संभावना रहती है, जिसके चलते आपके महावारी का दर्द और अधिक दर्दनाक हो सकता है। तीसरी बात, महावारी के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन के स्तर में एक बड़ा बदलाव देखा जाता है, जिसके चलते उनके मन में इस दौरान भावनात्मक तौर पर उथल पुथल बनी रहती है। वो और अधिक चिड़चिड़ी हो जाती हैं या फिर उन्हें उदासी घेर लेती है। तो ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसके लिए आप स्वयं को निराशाजनक माहौल से दूर रखने का प्रयत्न करें, नकारात्मक लोगों से मिलने से बचें, खुद को अधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें, और हाँ, 8 से 9 घंटे की नींद आप अवश्य लीजिएगा। चौथी बात, माहवारी के दौरान महिलाओं को नमक और फास्ट फूड का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि नमक हमारे शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाता है, अर्थात वाटर रिटेंशन बना देता है, जिसके चलते शरीर में सूजन आने की संभावना अधिक रहती है। तो आपको इस दौरान इन चीज़ों का विशेष तौर पर परहेज करना चाहिए, और हेल्दी और ताज़ा भोजन का आपको सेवन करना चाहिए। और हाँ, एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान आप भूखे ना रहें। दोस्तों, पांचवी बात, माहवारी के दौरान महिलाओं की त्वचा थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो इस दौरान महिलाएं त्वचा से संबंधित किसी प्रकार का ट्रीटमेंट जैसे वैक्सिंग आदि ना लें। ऐसा करने पर आपको सामान्य की अपेक्षा अधिक दर्द का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, छठी बात, माहवारी के दौरान आप स्वयं को हाइड्रेट रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि इससे ऐंठन जैसी समस्या में काफ़ी राहत अनुभव होगी। ध्यान रखें, इस दौरान चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके शरीर को डिहाइड्रेट करती हैं, जिसके चलते ऐंठन की समस्या अधिक आपको परेशान कर सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में, कि माहवारी के दौरान आप हाइजीन का सबसे अधिक ध्यान दें, और यदि जरूरत पड़े तो हर 3 घंटे में आप पैड बदलें, और पैड बदलने से पहले और बाद में दोनों टाइम आप अच्छे से साबुन से अपने हाथ धोएं, क्योंकि इस दौरान वेजाइनल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। तो यदि आप हाथ पैड बदलने से पहले भी धोएंगी तो इस प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं अवश्य ही कम होंगी। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और आप सभी से एक प्रार्थना और करूंगा कि आप खुल के इस बारे में बातें कीजिए, क्योंकि जब तक इस बारे में झिझक बनी रहेगी, महिलाओं के मन में
कुंठा बनी रहेगी, ये बातें महिलाओं को ऐसे ही परेशान करती रहेंगी। और एक अन्य माध्यम से भी आप सहायता कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी का ज्ञान हो पाए और वो इनका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार।